गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यस स्टूडेंट्स, टूडे वी आर डूइंग मनी स्टोरीज। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल कॉस्ट ₹180 एंड अ बैट कॉस्ट ₹370। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? बच्चे, इससे पहले हमने क्या कौन सी स्टोरीज की थी? लेंथ स्टोरीज, वेट स्टोरीज एंड कैपेसिटी स्टोरीज। ओके, आज हम करेंगे मनी स्टोरीज। तो मनी स्टोरीज की स्टेटमेंट मेक करने के लिए हम उसको किस वर्ड से स्टार्ट करेंगे? कॉस्ट ऑफ। लेंथ स्टोरीज में हम लेंथ ऑफ, वेट स्टोरीज में वेट ऑफ, कैपेसिटी स्टोरीज में क्वांटिटी ऑफ। ओके, और मनी स्टोरीज में हम क्या राइट करेंगे? कॉस्ट ऑफ। सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अ बॉल कॉस्ट रुपीज ये एंड अ बैट कॉस्ट रुपीज ये। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? एक बॉल की कॉस्ट बताई हुई है, फिर एक बैट की कॉस्ट बताई हुई है, और फिर उन्होंने पूछा है कि दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? एडिशन। ओके, लेट्स मेक स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ अ बॉल, बॉल की कॉस्ट क्या है? ₹180। तो बच्चे, 180 जब हम राइट करेंगे तो हमने उसके आगे रुपीज लगाने। आप रुपीज RS भी लगा सकते हैं और हिंदी वाला र भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ अ बैट, बैट कितने के हैं? ₹370। नेक्स्ट लाइन में क्या पूछे हैं? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? राइट हियर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए हमें क्या करना है? एडिशन, मेक द एडिशन साइन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैड ₹545 इन माय पॉकेट। मेरी पॉकेट में 545 रुपीज है। आई स्पेंट ₹275। मैंने 275 रुपीज को क्या किया? स्पेंड कर दिया, मीन्स खर्च कर दिया। व्हाट इज लेफ्ट इन माय पॉकेट? तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे बच गए? तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सब्ट्रैक्शन। सो बच्चे, मेक स्टोरी। आई हैड मनी। मेरे पास कितनी मनी है पॉकेट में? ₹545। ओके, आई, नेक्स्ट लाइन में क्या है? आई स्पेंट रुपीज। तो आई स्पेंट मनी, मैंने जो खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए? 275। नेक्स्ट लाइन में मनी लेफ्ट इन माय पॉकेट। व्हाट इज लेफ्ट इन माय पॉकेट? मनी है ना, मनी लेफ्ट इन माय पॉकेट। सो बच्चे, मेक अ स्लीपिंग लाइन, मेक अ सब्ट्रैक्शन साइन, देन सॉल्व द क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन करेंगे अब इसको, यू कैन डू योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शर्ट कॉस्ट ₹420। एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 420। हाउ मच विल 6 सच शर्ट्स कॉस्ट? तो बच्चे, एक शर्ट की कॉस्ट जो है वो है 420। तो वो कह रहे हैं 6 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी होगी? जब हमें एक वन थिंग की कॉस्ट मालूम होती है और हमें ज्यादा की बतानी होती है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
बिग स्मॉल से बिग में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मीन्स हमें एक की वैल्यू पता है और हमें सिक्स की वैल्यू बतानी है, तो बिग स्मॉल से बिग में जा रहे हैं ना हम, वन से सिक्स की बतानी है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो बच्चे लेट्स मेक स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, वन शर्ट की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 420। ओके, तो हमें सिक्स की वैल्यू बतानी है। अब ये सिक्स क्या है, शर्ट्स। तो बच्चे नेक्स्ट लाइन में बनाएंगे नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी है नंबर ऑफ शर्ट्स, यस सिक्स। नेक्स्ट लाइन में हम क्या बताएंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, सो बच्चे राइट हेयर रुपीज 420 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम क्या करेंगे, 420 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट 9 बैग्स इज रुपीज 810। वो कह रहे हैं 9 बैग्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 810। मींस 810 रुपीज में 9 बैग्स हम खरीद सकते हैं। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बैग, तो हमें वन बैग कितने का आएगा। तो बच्चे देखिए, अब 9 बैग की वैल्यू इतनी है तो हमें वन की बतानी है। अब हमें बिग से स्मॉल में जाना है, मीन्स हमें ज्यादा की वैल्यू पता है और हमें कम की वैल्यू बतानी है, वन की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, लेट्स मेक स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ किसकी बात हो रही है, बैग, कॉस्ट ऑफ बैग्स रुपीज 810। ओके, नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ बैग्स, कितने बैग्स की वैल्यू बताई हुई है, ये 9। अब हम क्या बताएंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैग, कि हमें वन बैग कितने का आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच बैग रुपीज 810 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू, आंसर राइट करेंगे यहां पर। अब हम इसको डिवाइड करके एक्स्ट्रा वर्क में दिखा सकते हैं। तो 9 का टेबल स्पीक करेंगे बेटा, तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो 9 से भी स्मॉल है, इसलिए 9 के टेबल में 81। सो बच्चे 9 जा 81, तो ये तो यहाँ पर 00 आ गया। और बच्चे जब यहाँ पर जो 0 बची है उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर होता है हम उसके साथ राइट कर देते हैं, तो आंसर क्या है हमारा, 90। राइट हेयर 90 रुपीज 90, कॉस्ट ऑफ ईच बैग रुपीज 90। ओके यस बच्चे, डू प्रैक्टिस, थैंक यू।